बधाई हो, नया ब्रांड आया है। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया है टेक ब्यूरो। तो यार, अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक में एक न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया ने खुद को रीब्रांड कर दिया है और अब ये दोनों एक नए नाम VI यानी कि वी के नाम से जाने जाएंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिरकार इस रीब्रांडिंग की क्यों जरूरत पड़ी, इससे वोडाफोन आइडिया को क्या फायदा हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अब वोडाफोन आइडिया इस रीब्रांडिंग के बाद मार्केट में जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं। तो यार, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट उसके पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, ये जो भी रीब्रांडिंग हुई है, इसकी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से 7 सितंबर को की गई है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2018 में, जब कहानी शुरू हुई थी। तो यार, वोडाफोन आइडिया का मर्जर अगस्त 2018 में ही हो गया था। तब ये लोग एक नई एंटिटी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से लोगों के सामने आए थे। और अब शेयर्स की बात करेंगे तो आज की डेट में वोडाफोन के पास कुछ 45% शेयर्स हैं और वहीं पे आइडिया के पास 26% शेयर्स हैं। और तब से ये लोग अभी तक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से ऑपरेट हो रहे थे और अब ये लोगों ने खुद को रीब्रांड किया है और VI के नाम से लोगों के सामने आए हैं। पर अब इस रीब्रांडिंग की क्यों जरूरत पड़ी? तो यार, इसके लिए मार्केट की करंट सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है। यार, अगर आप TRAI की अप्रैल तक की रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे आप देखोगे जियो का मार्केट शेयर 34% है, एयरटेल का 28% है, वोडाफोन आइडिया का 27% है, BSNL का 11% है। अब अगर सब्सक्राइबर काउंट्स की बात करेंगे तो जियो के पास सबसे ज्यादा करीब 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, एयरटेल के पास 32 करोड़ और फिर वोडाफोन आइडिया के पास 28 करोड़ है। अब अगर आप वोडाफोन आइडिया के 2018 के सब्सक्राइबर बेस की बात करेंगे तब उनके पास करीब 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, बट अब ये 2020 में सिर्फ 28 करोड़ हैं। यानी कि पिछले 2 साल में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, यानी कि 40 करोड़ से सीधे 28 करोड़। यार, बहुत बड़ा लॉस है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मार्केट में सर्वाइव करने के साथ साथ जियो और एयरटेल को भी टक्कर देना है। अब कंपनी का कहना है कि वो लोग इस रीब्रांडिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग कैंपेन्स वगैरह जो पहले रन होते थे वो सब अब एक ही ब्रांड VI के नाम से रन होंगे, क्योंकि यार मर्जर के बाद भी बहुत सी चीजें सेपरेटली चलाई जा रही थी। बट हाँ, अब ये लोग VI के ब्रांडिंग के नीचे ही सब कुछ सिंगल एंटिटी की तरह रन करेंगे और वहाँ पर कुछ कॉस्ट सेविंग वगैरह करना चाहेंगे, जिससे ये अपने यूजर्स को और अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। और इसके कुछ दिन पहले ही ये लोगों ने कंफर्म किया था कि ये लोग 25,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे मार्केट से, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के AGR के वर्डिक्ट के बाद ही हुआ था। अब AGR क्या था? तो AGR में टेलीकॉम कंपनीज अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देती हैं, जैसे कि ये लोग जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह यूज करते हैं उस हिसाब से कुछ परसेंट अपने रेवेन्यू का गवर्नमेंट को दे देती हैं। अब ये जो भी AGR का अमाउंट है, ये सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को पे करना था, जो कि करीब 58,000 करोड़ रुपीज था। इसमें से इन्होंने करीब 8,000 करोड़ तो पे कर दिया था, बट पहले तो इनको ये पूरा 58,000 करोड़ तुरंत पे करना था, बट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इनको काफी रिलैक्स मिला है और अब ये लोग 10 साल के अंदर ये पे कर सकते हैं। अब होपफुली ये लोग जो भी मार्केट से 25,000 करोड़ का फंड लेंगे, इसमें से शायद थोड़ा सा ये लोग AGR पे करने के लिए यूज करेंगे और बाकी का अपने यूजर्स की सर्विसेज को और इम्प्रूव, यानी कि यूजर्स को और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करेंगे। अब इसके साथ ही ये लोगों ने IPL के को स्पॉन्सरशिप को लिया है। अब ये लोग IPL के थ्रू करोड़ों लोगों तक अपनी न्यू ब्रांडिंग को पहुंचाएंगे और फिर से न्यू एनर्जी के साथ खुद को रिवाइव करने की कोशिश में लगेंगे, और ये हो सकता है इसके बाद इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए और इसके साथ ही ये लोग को और अलग अलग बेनिफिट भी देखने को मिल सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं, क्या ये सब करने के बाद वोडाफोन आइडिया रिलायंस जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगी? तो यार, अब ये सब चीजें उनकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अब देखना पड़ेगा लोग यूजर्स को कितना एश्योर कर पाते हैं कि यार हम आपको अच्छी सर्विसेज वगैरह देंगे, क्योंकि यार जियो ने एक अलग ही मार्केट वैल्यू बना के रखा है, पूरे मार्केट को कैप्चर किया है जियो ने और काफी हद तक जियो की मोनोपोली है आज के टाइम।
तो उनको कम्पीट करना तो बहुत मुश्किल होगा। बट हाँ, ये जरूर है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, किसी एक की मोनोपोली कम होगी, तो अल्टीमेट इसका फायदा यूजर्स को ही होगा। तो अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि वोडाफोन आइडिया ने नाम को बदला है, अब मार्केट कितना बदल पाएंगे। तो यार बस आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।